कल का वीडियो हमने दिया, लोग काफी खुश हुए, काफी लोगों को अच्छा लगा कि मैंने उनके हित में बात कही। देखिए, मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, पूरी पब्लिक के साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, और हित में बात करने वाली बात आपने जो कही वो मुझे थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि हित में तो हम जब से मैं इसमें वीडियो डालना शुरू किया है तब से मैं आप ही लोगों के हित में हूँ भाई। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं देता हूँ, ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, सभी लोगों को जानकारी मिलती रहे। जो मीटिंग में नहीं आते हैं वो वीडियो के माध्यम से कम उनको जानकारी मिल जाती है। ऐसे लोग जिनका सीनियर सपोर्ट नहीं करता, ऐसे लोग जिनके सीनियर का अता पता नहीं है, वो लोग हमारी वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मालूम कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो आपके हित में मैं अभी पहले भी वीडियो बनाता था, आज भी बनाता हूँ, आगे भी बनाते रहूँगा। अब इसके पहले हमने जो सारी वीडियो बनाई वो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को लेके लोग टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं। कल का जो वीडियो हमने इहा को बोला कि इहा शुरू करो, तो वो पॉजिटिव लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब जो लोग नेगेटिव थे उनको भी अच्छा लगा कि चलो इन्होंने भी कुछ आवाज़ उठाई, कि इहा को प्रेशर दिया, इहा को बोला, रिक्वेस्ट किया, प्रेशर देना तो नहीं कह सकते लेकिन रिक्वेस्ट किया हम सभी ने कि चलो भाई अब इहा को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक या दो या तीन या चार विज्ञापन देना शुरू करें। कुछ मेंटोर सीनियर से भी बात हुई है, उन्होंने भी कंपनी को मेल किया है और उन्होंने मेरे वीडियो को भी मेंशन किया है कि हाँ भाई ये वाकई में सच बात है कि ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे एक दो तीन जितने भी मर्जी वो वीडियो सॉरी विज्ञापन दे दें, तो ताकि लोगों को भरोसा, लोगों में भरोसा आएगा, प्लस लोग यहाँ पे बहुत तेज़ी से ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जैसी रियल पे डेट शुरू आना शुरू हो जाएगी तो काफ़ी तेज़ी से ट्रैफिक भी आएगा और वेबसाइट की रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करने वाली है। तो अभी क्या है, देखिए कि कल जब हमने बताया था वीडियो में कि आप सभी लोग इहा को मेल करिए, तो ज़्यादातर लोगों के पास तो मेल एक जैसा आया है, कुछ लोगों के पास थोड़ा डिफर आया है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग जल्दी खुशखबरी देने वाले। मेरे पास जो मेल आया वो मेरे ख्याल से कई लोगों को आया और मेरे पास भी वही आया। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। और ये मेल नया मेल नहीं है, ये अक्सर यही मेल कंपनी देती है जब उनसे ऐड स्टार्ट करने की बात कही जाती है, यानी इहा से। तो मैं आप पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने कहा, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग इहा सपोर्ट। एज यू माइट हैव सीन एंड और हेयर्ड, मोर एंड मोर पीपुल एवरी डे इज गेटिंग पेडेट्स इन देयर अकाउंट्स। दिस इज बिकॉज मोर एडवर्टाइजर्स एवरी डे रजिस्टर विद अस विद इन डिफरेंट कैटेगरीज एंड प्लेसेज। We thank you for your patience, as we know this has been a long journey for everyone. The reason you are not seeing paid ads yet is because the categories interest you have chosen is not the same category oblique region as the paid ads. As soon as an advertiser register with a paid campaign within your categories of interest and or region, you will receive the paid ads. Please feel free to contact me if you need any further information or have any other questions. ये इहा का रिप्लाई आया हुआ है, इहा की तरफ से मैसेज आया हुआ। चलिए, ये तो थी अंग्रेजी में, आप थोड़ा हिंदी में बात कर लें, हम इंडियन हैं, हिंदी हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो इन्होंने कहा है कि इहा सपोर्ट से संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा या सुना होगा कि अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन खातों में सहशुल्क विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं। ये लाइन मैंने कल भी बोली थी, मैं आज भी बोलता हूँ। इन्होंने ये किस बेस पे लिखा है कि सहशुल्क विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं? सहशुल्क विज्ञापन इंडिया में तो नहीं आ रहे। अगर कहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ प्रूफ जरूर दीजिए कि कहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यदि कहीं आ रहे होते तो स्क्रीनशॉट बहुत तेज़ी से वायरल होता है कि रियल एड कहाँ कहाँ पर आई है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अभी ऐसी कोई रियल एड कहीं नहीं आ रही जो कि इन्होंने रिप्लाई में लिखा है। और जहाँ तक ये रिप्लाई है, मुझे लग रहा है ये ऑटो रिप्लाई है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को एक जैसा हमेशा आता है। फिर मैं पढ़ देता हूँ। चलिए, इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोग प्रतिदिन अपने खातों में सहशुल्क विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिक विज्ञापनदाता प्रतिदिन विभिन्न श्रेणियों और स्थानों में हमारे साथ पंजीकरण करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पंजीकरण करते हैं तो उनके विज्ञापन हमारी सारी कैटेगरीज, हम तो इंडियन हैं, हम तो कोई भी कैटेगरीज हमने छोड़ी ही नहीं है। ठीक, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हम इंडियन से हमने कोई भी कैटेगरी नहीं छोड़ी, हमने ए टू जेड सारी कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। भाई तुम्हारा ऐड अभी तक इसमें नहीं आया है, नहीं हम लोगों को मिला है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे ये भी कहा है कि विज्ञापनदाता प्रतिदिन विभिन्न श्रेणियों यानी विभिन्न कैटेगरीज और स्थानों के साथ पंजीकरण करते हैं, लेकिन अभी तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। हम आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं, इस बात को आप मान सकते हो कि हम धैर्य कर रहे हैं और यह हमें धन्यवाद दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सभी के लिए एक लंबी यात्रा रही है,
सभी जानते हैं, सभी अच्छे से समझते हैं कि काफ़ी टाइम लंबा टाइम हो गया है और यह की तरफ से अभी रियल एड आना शुरू नहीं हुआ है। आप सभी तक सहशुल्क विज्ञापन नहीं देख रहे हैं, मतलब ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप सहशुल्क यानी पेड एड नहीं देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि अब इनका कारण जो बताने का तरीका है वो सुनिए। इसका कारण यह है कि आपके द्वारा चुनी गई श्रेणियाँ, रुचियाँ यानी आपका कैटेगरी और जो इंटरेस्ट है, भुगतान किए गए विज्ञापनों के समान श्रेणी क्षेत्र में नहीं है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो भी कैटेगरी चूज करी है तो वो जो पेड एड आ रही है वो उन कैटेगरी की या उन इंटरेस्ट की नहीं है, इस वजह से आपको विज्ञापन नहीं दिख रहा है। अभी मैंने क्या बोला, हम इंडियन से हमने कोई भी कैटेगरी छोड़ी ही नहीं है, ए टू जेड हमने सारी चिपका दी है, सब पे टिक कर दिए कि भाई कोई तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। तो ये लाइन बिल्कुल इन्होंने गलत कही है कि भाई हमारी श्रेणियों के हिसाब से विज्ञापन नहीं है, हमारी कैटेगरी के हिसाब से विज्ञापन नहीं है। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता इस रिप्लाई को, ये रिप्लाई बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ से फिर से रिक्वेस्ट है, सीनियर मेंटोर से रिक्वेस्ट है कि यह इस तरीके का ये जो मेल है ये ना भेजे और रियल एक्चुअल रिप्लाई दे, चाहे कम लोगों को दे लेकिन एक्चुअल रिप्लाई दे कि क्या आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि जैसे ही कोई विज्ञापन दाता आपकी रुचियों की श्रेणियों या क्षेत्र के सहशुल्क विज्ञापन अभियान के साथ पंजीकरण करता है तो आपको सहशुल्क विज्ञापन होंगे। इसी रिप्लाई में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपको विज्ञापन इसलिए नहीं आ रहा है कि क्लाइंट ने जो कैटेगरी चूज करी है, और नीचे लाइन में दे रहे हैं कि जैसे ही कोई विज्ञापन दाता आपकी श्रेणी के अकॉर्डिंग विज्ञापन देगा तो पेड एड दिखेंगे। मतलब टोटली जो आंसर है ये गोल गोल घूम रहा है और घूम फिर के अलग अलग दिशाओं की तरफ हम लोगों को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल हकीकत है। फिर ये लिखते हैं बेझिझक संपर्क करें, तो भाई बेझिझक संपर्क ही तो किया है और आप लोग सबको एक जैसे रिप्लाई दे रहे हो तो ये गलत है। बिल्कुल ये मैं बोलूँगा यहाँ को कि यह गलत है और यहाँ को रिक्वेस्ट फिर से करते हैं हम आज के इस वीडियो में, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिन लोगों ने अगर अपना मेल नहीं किया है यह को तो प्लीज़ सभी लोग आज फिर से मेल करें, और अगर कोई अलग आंसर आता है तो उसको ग्रुप में सर्कुलेट करें, ग्रुप में भेजें, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से रिक्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कुछ ऐड शुरू हो जाए, कुछ भी जाए, एक नहीं दो तीन जितने भी दिए देने उनको विज्ञापन देना शुरू करें ताकि लोगों में पेशेंस जो है अभी जो पेशेंस है वो बना रहे, या लोग खुश हो जाएं या लोगों को रियल ऐड आते हुए दिखेंगे तो तेज़ी से काम भी बढ़ेगा, तेज़ी से और ज्वाइनिंग भी आएगी और इनकी वेबसाइट पे भी विजिट ज़्यादा होने लगेगा। तो बाकी तो ठीक है, और हम एलेक्स सर ने जैसे मीटिंग में कहा था कि यूके, यूएसए, मलेशिया जहाँ से भी इनको इवेंट प्रोग्राम शुरू करना है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग शुरू करिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा लेकिन शुरू कर दीजिए उसको जल्दी से, ये भी रिक्वेस्ट है तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जालाइफ अपनी तरह सुसज्जित है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो अपना MLB बोनस एक्टिवेट कर रहा है, अपने पैकेज के अनुसार कमीशन दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, उसका कोई यहाँ पर वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जाका आ जाता है, जाका भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका है अपने तरीके से, वो भी कर रहा है, लेकिन जाका ने आते ही काफ़ी जल्दी एक्टिविटी की है और काफ़ी जल्दी ग्रोथ भी ली है और काफ़ी अच्छा मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट सभी को दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर शेयर की बात है, उसका भी जो FS2 का बायबैक प्रोग्राम चल रहा है वो भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो इन तीन प्लेटफॉर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग पोर्टल तो अभी ना हमें दर्शन हुए ना आपको दर्शन हुए, शॉपिंग पोर्टल जैसे ही आएगा तो उस पर भी हम लोग उसको देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ही अभी निशाने पे है सभी लोगों के, तो सभी जिन लोगों के निशाने पे हैं वो पूरा वर्ल्ड है, पूरा इंडिया की एशियाई कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, यूरोपीय कंट्री है, जहाँ पर ये यहाँ रजिस्टर किया गया है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको मेल ज़रूर करें। अगर आपने एक बार कल मेल कर दिया तो आप फिर से मेल करिए, देखिए हम तो जब तक ये सटीक जवाब नहीं देंगे तब तक इनको मेल करना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी लोगों को यहाँ पर जो है एक्चुअल रिप्लाई मिल सके कि बस कब से चालू कर रहे हैं, तो हम भी इसी के लिए वेट कर रहे हैं। बाकी यह जाका का कोई नया न्यूज़लेटर आने वाला है तो उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।